दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका अभी भी इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। जानकारी सामने आई है कि बाइडेन प्रशासन आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बाइडेन प्रशासन द्वारा मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की खबरों को लेकर व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस समय इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन के अधिकारियों ने मंकी पॉक्स को अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने को लेकर कई दिनों तक इस बात पर चर्चा की है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये कहा है कि सामान्य आबादी के लिहाज से मंकी पॉक्स का जोखिम कम है। आपको बता दें कि कहीं भी इस प्रकार की घोषणा के बारे में बातचीत तब होती है जब वायरस पूरे देश में फैल रहा हो। अमेरिका में मंकी पॉक्स के लगभग 3600 मामले सामने आए हैं। न्यूयॉर्क शहर मंकी पॉक्स का एपिक सेंटर बना हुआ है।